डिफॉरेस्टेशन एक ऐसी समस्या जो कि डे बाय डे बढ़ती ही जा रही है। पेड़ों को काटा जा रहा है, जंगलों में आग लगी है, जंगलों को काटकर घर, सड़कें, मॉल्स, फैक्ट्रीज बनाई जा रही है। प्रॉपर बारिश नहीं हो रही है जिसके कारण सूखा पड़ा है और किसान आत्महत्या करने को मजबूर हो चुके हैं। जंगलों में आग लगने और पेड़ों के कटने के कारण हमारी ऑक्सीजन का लेवल बहुत नीचे आ गया है। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है और ना जाने क्या क्या प्रॉब्लम्स हमारे दरवाजे पर दस्तक देने जा रही है। बढ़ती गर्मी के कारण बहुत बड़ी मात्रा में बर्फ का इतनी तेजी से पिघलना भी कोई अच्छा संकेत नहीं है। हम इंसानों के निजी स्वार्थ की वजह से आज दुनिया पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। पीने के पानी के सोर्सेज धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। हम लोग पेड़ लगाते तो है बट ओनली फोटो खिंचवाने के लिए या कह लीजिए शो ऑफ करने के लिए, बट उसके बाद उसकी केयर कोई नहीं करता। यदि आप एक पेड़ लगाते हैं तो कम से कम 4 से 5 साल तक उसका ख्याल रखना बहुत जरूरी हो जाता है, नहीं तो उस पेड़ को लगाने का कोई मतलब नहीं रह जाता। अब डिफॉरेस्टेशन की बात चल ही रही है तो अमेज़न फॉरेस्ट की बात करना बहुत जरूरी हो जाता है। अमेज़न फॉरेस्ट जो कि दुनिया का सबसे बड़ा वर्षावन है और इसे दुनिया के फेफड़ों के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि 20 से 30% ऑक्सीजन दुनिया को यहीं से मिलती है। यहां पर 4,000 करोड़ से ज्यादा पेड़ों की प्रजातियां हैं और ये जंगल दुनिया के 9 देशों में फैला हुआ है। यहां करोड़ों की तादाद में विभिन्न जीव जंतुओं की प्रजातियां पाई जाती हैं, पर पिछले 3-4 हफ्तों से हमारे ये फेफड़े जल रहे हैं। एक बहुत बड़ा वन क्षेत्र जल के राख हो चुका है। बहुत सारे जानवर, जीव जंतु इस आग में मौत के घाट उतर चुके हैं। यहां पर लगी आग के धुएं से कुछ आसपास के शहरों में तो दिन में भी रात लगती है। बहुत सारी उड़ानें, ट्रैफिक रद्द हो चुके हैं और यहां के लोगों को और भी बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस बढ़ती आग से ग्लोबल वार्मिंग और गर्मी का स्तर बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है और इसका असर दुनिया पर बहुत ही जल्द दिखाई देगा। अगर हम मान भी ले कि अमेज़न में आग लगने का कारण नेचुरल हो, पर उस बढ़ती गर्मी का कारण भी तो हम इंसान ही हैं। यदि हम पेड़ लगा नहीं सकते तो हमें उसे काटने का भी कोई अधिकार नहीं है। अब यदि हमें दुनिया को बचाना है तो ऐसे में इसके बारे में विचार करना बहुत जरूरी हो जाता है क्योंकि शायद अभी भी हालातों को सुधारा जा सकता है।